नमस्कार, मो नाम हूँ डॉक्टर राजेन्द्र साहू। मुझे जन कंसल्टेंट पेन स्पेशलिस्ट केम्स हॉस्पिटल भुवनेश्वर एंड न्यूरोन पेन क्लिनिक। अपने समस्त को मोर यूट्यूब चैनल न्यूरोन पेन क्लिनिक रे स्वागत। आज बहुत कमन जिनस जोड़ा आसंदी लोक आम पाक नी आर्थराइटिस नहीं कि आक सब समस्या थाए आर्थराइटिस देखेले प्राय सर्जरी ऑपरेशन कथा कहते लोक डरी जाती ऑपरेशन को लेकिन करूँ चाहूनु। आज मुझे नी ट्रीटमेंट डिटेल्ड कहबी स्टेजेस विषय कहबी केते स्टेज कौ स्टेज रे कौ ट्रीटमेंट आपन को अप्रोप्रिएट। ऑपरेशन जो स्टेजा कह जाए नी रिप्लेसमेंट से लास्ट स्टेज रे करा जाए ताकू छाड़िले नॉन सर्जिकल बिना ऑपरेशन रो ट्रीटमेंट भी अच्छी तीन चार प्रकार डिफरेंट अलग अलग ट्रीटमेंट अच्छी ता विषय में मुझे आज पूरा भल भाव आपको कहबी। तेणु ये भिडियोटा को पूरा आप शेष जाए देखु से अनुसार आपतर चूज करेंगे कौ ट्रीटमेंट आपको आइडियाल हो पारे आप बयस अनुसार। प्रथम कथा नी आर्थराइटिस आंठूगंठी बेमारी मैंने आपणकर आंठूगंठी बात जो बेमारी हुए ऑस्टियो आर्थराइटिस एटा कह जाए क्षयजनित बात रोग बयस जनित आर्थराइटिस गंठी बात रोग। रूमाटॉइड आर्थराइटिस पूर्व गोटे भिडियो कहली से कम्प्लीटली डिफरेंट कम 20-50 वर्ष लोक हुए किंतु एटा यूजुअली 50 वर्ष पर हुए किंतु किसी लोकर आम लेट 30s अर्ली 40s रे भी देखू स्पेशियली महिला मान पुरुष तुलना 5-7 गुण अधिक मात्रा आक्रांत हूँ। ओके तो ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होउची आंठू पेन हुए आपको बसी बसिक उठिले आंठू पेन हुए किसी बाट नॉर्मल जी चलते अधिका चलने आप आंठू पेन हो बसा पड़ू तो ये सब आंठू गंठी ऑस्टियो आर्थराइटिस लक्षण। ऑस्टियो आर्थराइटिस चारिटा प्रकार भेद अच्छी सीवियरिटी जो ग्रेडिंग करा जाए केते सीवियर बा को स्टेज अच्छे चारिटा ग्रेड कह जाए। ये गोटे पाखे नी मॉडल मोर देखते ये अच्छी आपको देखिए यहाँ है नॉर्मल नी आंठू है ये कौन देखा आप देखते यहाँ है ऊपर हाड़टा एटा तल हाड़े टीबिया एटा है फिमर एटा गोटे छोट एटा कहते फिबुला कहते दुटा हाड़ मिसिक जॉइंट है यहाँ गोटे नॉर्मल नी एटा देखिले यहाँ गोटे बोन फिमर टीबिया फिबुला यहाँ है तार कार्टिलेज नील रंग देखा यहाँ प्रोटेक्टिंग लेयर टा कार्टिलेज पूरा सुस्थ अच्छी भल अच्छी यहाँ भी मेनिस्कस भल अच्छी गोटे नॉर्मल हेल्दी स्टेज वन आसिले ये देखूँ ये कार्टिलेज केमी सब चेंजेस धीरे धीरे किसी चेंजेस आज कार्टिलेज खाईगला कौन अच्छी तापर कौन से जॉइंट स्पेस भी कमी जाए। स्टेज टू गले आहुरी अधिक मात्रा कार्टिलेज डैमेज है स्टेज थ्रू गले पूरा मात्रा रे होता है तो यहाँ हूँ डिफरेंट 1, 2, 3, 4 डिफरेंट स्टेजेस जोटा कि आसे एक्सरे कले कि MRI कले यू पर देखा जाए विभिन्न स्टेज अफ आर्थराइटिस तो सब स्टेज रे ट्रीटमेंट अलग। प्रथम तो कही रखे मु लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बा लाइफ स्टाइल चेंजेस आपन को कौन कौन करिवार अछि सेटा एप्लीकेबल इन ऑल स्टेजेस स्टेज 1, 2, 3, 4। नंबर 1 वेट रिडक्शन काफी देखा जाइछि महिला मानकर हुए जो माने ओबेसिटी मोटापण थाए 2/3 ऑफ द पेशेंट्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ओबेसिटी थांदी तो आपन को वेट कंट्रोल करे पड़े सेटा केमदि करे बड़ कष्टकर व्यापार छेद पे किसटा साधना करिया पड़े डाइट रे करिया पड़े एक्सरसाइज करिया पड़े तेणु ओजन टाक कमेक पड़े प्रथम कथा सब स्टेज रे एप्लीकेबल तेणु वेट रिडक्शन प्रथम गला। नेक्स्ट है आपणकर न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन किसी फूड अच्छे न्यूट्रिशन अच्छी जोटा कि आगे भिडियो करा भी देखिपारे जोटा कि ओवरऑल क्रोनिक पेन रे काम दिए आर्थराइटिस रे काम दिए वेट रिडक्शन रे भी हेल्प करे प्रॉपर गोटे सुषम खाद्य बैलेंस डाइट आम जोटा खाऊ न्यूट्रिशन गोटे डाइटिशियन परामर्श नहीं करेंगे तेणु आप न्यूट्रिशन प्रॉपर रखिले ओजन आपे आपे ही कमिज कि सप्लीमेंट से जो मिलूँ बर्तमान सब मार्केट बहुत जोर चलती सब तार किसी आवश्यकता नहीं हर्बल फल किसी आवश्यकता नहीं वेट रिडक्शन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज आपण 30-40 मिनिट 1 आवर डेली एक्सरसाइज कराया पड़े ये आसते लोक पचारती आज आम तो व्यथा हो चली पारू चलने एक्सरसाइज केमती कर येस किसी एक्सरसाइज अच्छे जोटा आपे जमी है जिम जाकि स्टाटिक साइक्लिंग जो साइकिल अच्छे से आप 30-40 मिनिट चल पारे से ट्रेडमिले किसी चली पारे ना आउ अलग 3-4 प्रकार एक्सरसाइज जो जिम्रे भी करेंगे घरे भी रखी करेंगे आप
ओके कि ना साइकिल चल गए आप साइकिल कॉलोनी हो सोसाइटी भितर साइक्लिंग करें जो थे कि आप वेट बियरिंग पड़े कि वेट रिडक्शन भी हेल्प करे एक्सरसाइज भल हुए स्विमिंग करेंगे जिते दूर संभव जगिंग हो चलो हूँ करूँ अल्प अल्प से इनकॉर्पोरेट करूँ कले कौन हम मसल गुड़ा स्ट्रेंथ आसो मसल गुड़ा डिकंडीशनिंग आपको भल लगे तेणु जिते संभव एक्सरसाइज करूँ। नंबर फोर नी स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपणकर आंठूर स्पेसिफिक आर्थराइटिस हेले जॉइंट चारिपट जो मसल अच्छी वीक हो जाए से मसल गुड़ाक स्ट्रेंथेन करा पड़ो तेणु नी स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर देखते मोर गोटे वीडियो भी अच्छी गोटे से आज देखिपरेंगे पांचटा एक्सरसाइज आम डिटेल कही चु गए आटलिस्ट घरे से एक्सरसाइज करेंगे यहीटा है आपणकर लाइफ स्टाइल चेंजेस सबू स्टेज 1, 2, 3, 4 पर आप्लिकेबल। नेक्स्ट हूँ आर्थराइटिस हेले कौन करेंगे ना कौन करें स्पेशल आम जो चक्का पकई बसुचे स्क्वाटिंग पोजिशन में बसुचे इंडियान टॉयलेट जो झाड़ा जाए स्क्वाटिंग पोजिशन से पेनटा बढ़ डिजेनेसन बढ़े तेणु से आपको घर गोटे वेस्टर्न टॉयलेट बा कोमो टॉयलेट लगे पड़ो स्क्वाटिंग चक्का पकई क्रॉस्ड लेग बसा अवॉइड करा पड़े सीढ़ी चढ़ाचढ़ी कले भी बेसी जॉइंट पर स्ट्रेस पड़े ताक भी रिड्यूस मिनिमम करा पड़े किसी लोग कहते आम घर उपर जाए फास्ट फोर सीढ़ी जी पड़े जावाक तो पड़ो तार किसी अल्टरनेटिव ना आप लिफ्ट लगे पारे तेणु से मिनिमाइज कम करापर ध्यान देते आउ बाकी रहा आपर रफ सरफेस जदि जान लें आर्थराइटिस अच्छी तेणु रफ सरफेस अनइवन सरफेस जावा दौड़ा दौड़ी करवा जंपिंग करवा एडक अवॉइड करूँ कारण से सब पुणी फर्दर नी को डैमेज करें बेसिकली दिस आर ऑल नी प्रोटेक्शन नी जॉइंट को प्रोटेक्शन बा फर्दर इंजरी को प्रिवेंट करे एटा हला चेंजेस जोटा आपनकर सबु स्टेज रे काम आसीबो। नेक्स्ट आसन जानिबा ट्रीटमेंट मेडिसिन बा जॉइंट रे इंजेक्शन नॉन सर्जिकल कौन अच्छी सर्जरी कौन अच्छी स्टेज वन रे जदि आपड़ी इनिशियल आर्थराइटिस आसिले देखे आंपक आसिले सिंपल किसटा पेन किलर किसी दिन खावाक पड़ा डिपेंड सिंपल पारासीटामल भी क्या कम कैर अल्प पेन रे क्या किसी इनफ्लामेशन से डाइक्लोफेनाक जीरोडोल ग्रुप इत्यादि मेडिसिन अच्छी कितना गोटे कथा कह रखे सेल्फ मेडिकेसन करूँ ना पाखर औषध दुकान पचार दे कि दुदिन चार दिन गोटे दुदिन चल बट दे लंग टर्म किसी लोक बहुत कम लोक आजिकल आम देखु गाँग लोक आसले किसी किसी पेन किलर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बोल जो कहू से खाइले भल लगुच वर्ष वर्ष धरी खाऊ था तार भी स्टेरॉयड भी थी पारे बहुत कम लोक रोग आजिकल कि आगुरी होता देख ला बेल हटात टेस्ट कल देखा किडनी टेस्ट बढ़िया बहुत मात्रा तेणु सेमती आद करूँ ना तेणु किसीटा पेन किलर आपड़ किसी दिन सप्ताह मस नहीं खाई डिपेंडिंग ऑन को स्टेज स्टेज वन सिंपल किसीटा पेन किलर आप किसी दिन नहीं पारे ता सांगरे ए जदि लाइफस्टाइल चेंजेस कले आपनका आर्थराइटिसटा अरेस्ट हो रही जाए बहुत दिन पर्यंत आंठू सुस्थ रही पारिबो। स्टेज वन जदि मेडिसिन आउ लाइफस्टाइल चेंज होते रेयरली काकु नॉन सर्जिकल बा इंजेक्शन थेरेपी रो दरकार पड़े नाही। स्टेज टू आसिले नेक्स्ट ग्रेड मॉडरेट ग्रेड आर्थराइटिस आसिले तेणु आपणकर कौन कले सेगेन से लाइफस्टाइल चेंजेस चलो। नेक्स्ट टू हूँ सिंपल किसटा मेडिसिन दो पेन किलर हो बा जॉइंट स्पेसिफिक न्यूट्रिसीटिकल कहत आम जो सब जॉइंट जो कोलाजेन कार्टिलेज जहाँ जहाँ सब अच्छी से सब जॉइंट को प्रोटेक्शन करे से न्यूट्रिसीटिकल मेडिसिन दुई मास तीन मास देखाले किसी पेशेंटर को भी हेल्प करे आ किसटा एनाल्जेसिक नहीं पारे पेन किलर नहीं पारे। नेक्स्ट कौन करें जॉइंट रे इंजेक्शन बा इंटरवेंशन कहू आम कौन कौन इंजेक्शन अच्छी गोटे हाइलुरोनिक एसिड बा जॉइंट रो हाई मोलिकुलर वेट हाइलुरोनिक एसिड बा विस्को सप्लीमेंट बोल कहू काफी लोग कहते जॉइंट रे तेल सुखी था सेमती किसी तेल न था तारे बा जॉइंट रो गोटे नॉर्मल गोटे लुब्रिकेटिंग फ्लुइड थाए तो सेटा सब कौन अच्छी फ्रिक्शन है से लुब्रिकेटिंग फ्लुइड कम था कौन अच्छी गोटे मेडिसिन आसे से फ्लुइड फॉर्म रे ताको हाइलुरोनिक एसिड सेटा जॉइंट रे इंट्रा आर्टिकुलर आम दौ टे कॉस्टली मेडिसिन 10-20 हजार ए रेंज रे पड़े किंतु ये स्टेज टू रे कले मेडिसिन रो सही गोटे गोटे इंजेक्शन लोकर 6-12 मास क्या क्या देढ़ 2 वर्ष जाए भी तार इफेक्ट लग रहे इजिली जदि आपड़ी किसी एक्सरसाइज ये सब जिन कले वेट रिडक्शन कले तेणु स्टेज टू रो गोटे हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन। नेक्स्ट हूँ कौन पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मैंने आपणकर ब्लड नहीं कि आम सेंट्रीफ्यूज करके जो प्लाज्मा आसे तादेरे 4-5 गुणा प्लेटलेट थाए तादेरे कौन थाए ग्रोथ फैक्टर जोटा कि जो कार्टिलेज डैमेज होटा कि सेंट्रल फैक्टर थाए नी आर्थराइटिस सेंट्रल मेकानिजम से कार्टिलेज को नुआ करके तैयारी करे तेणु जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बा प्लाज्मा कहू ताकु आम 2-3 थर आंठू भितर दि जाए इंजेक्शन ये सब इंजेक्शन जो मुझे रखुच्छी एटा सब आम क्लिनिक रे ओपीडी डे केयर से सांगे सांगे घंटे 2 घंटे छाड़ीदेव आम कि आडमिशन दरकार नहीं रहा दरकार नहीं
पेनलेस लोकल एनेस्थेसिया रे करा जाए तो ए जो पीआरपी टा दिया जाए निजर ब्लड दिया जाए आ सब हमें अल्ट्रासाउंड मशीन गाइडेड करू कहीं आप जो हाइलुरोनिक एसिड गोटे 10-20 हज़ार टकर इंजेक्शन ने इवन पीआरपी ने मशीन द्वारा कले कौन आक्यूरेट पूरा आम जॉइंट भितर जाऊ निडिले टिपिकल स्पेसिफिकली आक्यूरेटली दि जाए सही जगह जोटी की जीवा कथा अल्ट्रासाउंड द्वारा नक कौन हो पाए कौन पड़े इड़े सियाड़े जा अराउंड 10% पेसेंट फेल्युअर भी हो पाए कारण वन अफ द रिजन फेल्युअर कि ठीक जगह मेडिसीटा जाए सायद जॉइंटर कैप्सूल बाहर रहीगला एपट सेपट गला कौन अच्छी काम कर न पारे तेणु मेसीन गाइडेड करा जाए तेणु स्टेज थ्रू अगेन लाइफ स्टाइल चेंजेस किसटा मेडिसीन यू जॉइंट इंजेक्शन पीआरपी हो प्लाज्मा हो हाइलुरोनिक एसिड एटा मुख्यतः काम करे सर्जरी आवश्यकता न था कमिंग टू स्टेज थ्री रे पुणी जॉइंट स्पेस आहुरी जोड़गला स्पेशली भितर पट जॉइंट जोड़गला अगेन लाइफ स्टाइल चेंजेस रहा प्लस आम यू जॉइंट इंजेक्शन थेरापी जो पीआरपी कहू बा हाइलुरोनिक एसिड एटा भी करहब एटारे भी काम दिए किंतु स्टेज टू तुलन टे काम कर क्षमता कमी जाए कारण रोगटा बढ़ी गला आडभांसड हो गला ये आम आउ गोटे थेरापी दे पार गोटे स्पेसिफिकली यंग एज्रे लेस दैन 50 लोक ये कम बयस सर्जरी कराएनी गोटे कह जाए रेडियो फ्रिक्वेन्सी आब्लेशन ताने ये जो नी जॉइंट को जो सप्लाई करुच्चे नर्व गुड़ा अच्छे पेन क्यारिंग आपको सीना आर्थराइटिस पेनटा केमी हो नर्व गुड़ा सेनसेसर नहीं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को पहुँचुचार आपड़ चलिए पेनटा अनुभूत कर तेणु आपंकर जो नी जॉइंट चारिपट जो पेन क्यारिंग छोट छोट नर्व थाए ताको गोटे मशीन छोट स्पेसिफिक निडिल द्वारा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आब्लेसन निडिल द्वारा हाई फ्रिक्वेन्सी करेन्ट दे कि से नर्व गुड़ाक आम कोआगुलेसन करदे जहाद्वर आपको पेन सेनसेसनटा पेनटा को अनुभूत होबना भल रखे काफी मात्रा पेन कमी जाए नेक्स्ट लेवल आप आक्टिविट करें चल बुल करें वेट रिडक्शन ध्यान दे एक्सरसाइज कले तो यहीटा स्टेज थ्री चले स्टेज थ्री तेणु मेडिसिन सांगर को पीआरपी हाइलुरोनिक एसिड सांगे गोटे आब्लेसन रेडियो फ्रिक्वेन्सी आब्लेसन गोटे टेक्निक गोटे लास्ट 10-12 वर्ष आसानी काफी अप्रूव्ड ट्रीटमेंट भी काफी मात्रा भल भी कम कै कि स्टेज थ्री जोटा कि खाली मेडियल कंपार्टमेंट भितर कंपार्टमेंट बहुत मात्रा जोड़ जाइए गोटे सर्जरी कह जाए मिनी नी रिप्लेसमेंट हाई टीबियल ऑस्टियोटोमी कह जाए हाई टीबियल ऑस्टियोटोमी से भितर पट काली काटी गोटे से कौन एटा कह जाए नी प्रिजर्वेशन माने जॉइंटा को प्रिजर्व करा जाए पूरा कटा जाए ना गोटे बोन टाक नहीं जोड़ी ऑर्थोपेडिक सर्जन करती एटा कहते हाई टीबियल ऑस्टियोटोमी यहाँ भी करहुए यहाँ भी काफ़ी मात्रा भी फायदेमंद हो जाए स्पेसिफिकली यंग पेसेंट अच्छा बेसी मात्रा नी डैमेज है खाली भितर पटा होती इवन इफ स्टेज टू और स्टेज थ्री भी करहब कमिंग टू स्टेज फोर माने आडभांस आर्थराइटिस हाड़ को हाड़ जोड़ी गला लोकों गोड़ सीधा ही रही पारे बंक रोचे एमती बंका है आरंभ कला से क्षेत्र में नी रिप्लेसमेंट टोटाल नी रिप्लेसमेंट ही बेस्ट ट्रीटमेंट ये देखो ये नी रिप्लेसमेंट माने कौन हम सी जो डैमेज हो बोन सब जॉइंट काटिले सब काटि दि जाए मेटाल लग जाए ऊपर मेटाल तले मेटाल गोटे मेटाल लगे बोन सीमेंट द्वारा फिक्स कर रखा जाए हाइली सक्सेसफुल सर्जरी लट अफ पेसेंट डरती पारालीसीस पारालीसीस तो सेमती किसी हुए ना कोई भी मेडिकल साइंस रे कोई सर्जरी ट्रीटमेंट कहार 100% फुल प्रूफ नुहे माने आम जी 100,000, 10,000 लोकर भी मुझे इंजेक्शन देली एमती नहीं 10,000 लोक कम करके 80-90% लोक कम कर 5-10% फेल्युअर रहे सेम आप्लाइज हियर अल्सो बट वेरी गुड सर्जरी बहुत भल कम कै आपर चाल बुल हो आक्टिविटी सब भल रहे तेणु एटा हला स्टेज फोर रे नी रिप्लेसमेंट ही बेस्ट ट्रीटमेंट किसी लोक आसंती स्टेज फोर हो गला से माने नी रिप्लेसमेंट करने को चाहूना आईदर आर्थिक समस्या पाई हो बहुत खर्च लगुच कराया डर हो बा मेडिकल रीजन कौन तर हार्ट फेलर अच्छी किडनी प्रोब्लेम अच्छी डायलिसिस चलती बहुत बयस हो गला 80-85 वर्ष हो बयस आम करने को चाहूना एक किसटा मेडिकल रीजन से किंतु पेन हो चली पार ना किसी जीवन को उपभोग कर पार ना सांगसाथी भाग गपसप कर पार ना पार्क जा पार ना से कहते सार रिक्वेस्ट करते सार किसी नन सर्जिकल कहतु आम अपरेसन करा चाहूनु कि बयस है कि मेडिकल कारण अपरेसन हानिकारक हो पाए तेज आम एगेन मुझे पूर्व स्टेज थ्री में कही रेडियो फ्रिक्वेन्सी आब्लेसन एगेन से छोट नर्व को टार्गेट करके कोआगुलेसन कर नर्व को कोआगुलेसन करूँ कि ना इवन इफ केमिकल आब्लेसन मैंने से नर्व गुड़ा को हाई कन्सनट्रेसन आल्कोहल 100% आल्कोहल देकर नर्वटा को कोआगुलेसन बर्न कर दि जाए जहाद्वारा कि पेन जापर ना आ द्वारा लोक आटलिस्ट 50-60-70% यही रेंज रे पेन रिलीफ मिले जोटा कि आडभांस स्टेज रे भी
तो से भी से माने खुशी रहंती कारण बिल्कुल को से आउ जते एडवांस स्टेज हो जाए बोन ऑन बोन हो जाए बंका हलानी पेन किलर यूजुअली भी काम करे नी आ पेन किलर बहुत दिन पे कुछ लोग नहीं पारती नहीं मेडिकल रिजन सेटा तंग पई कंट्राइंडिकेशन थाई पारे तो बेसिकली एटा हला नी आर्थराइटिस रो स्टेजेस स्टेज वाइज ट्रीटमेंट आ सब स्टेज रे मु लाइफस्टाइल चेंजेस कहली एक्सरसाइज डाइट वेट रिडक्शन कहली सेटा को भी ध्यान को देबे सब बळे आ द्वारा काफी मात्रा रे नी आर्थराइटिस जो गोटे गोटे प्रकार एपिडेमिक चलची बयस अनुसार होउची ताको काफी मात्रा रे हमें ठीक कर परबा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ए वीडियो आपन को पसंद लागिबो। आ घरे घरे ही समस्त अछंती आर्थराइटिस पेशेंट मु बहु हौ मोर सासु होंतु अन्य मानक भी जॉइंट इंजेक्शन भी देची से माने भी वर्षे डेढ़ वर्ष लेनी काफी भी फायदामंद अछंती भलरे अछंती पर्यंत 60 पखै बयस अनुसार तेणु किछि लोक भ्रांत धारणा थांती डोंट फॉल इनटू दैट यू नो काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन मिथ रे पसंद ए सब जिंस करंतु भलरे परबे। थैंक यू। प्लीज वॉच एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।